जी वेलकम ब्रेक और हमारे साथ वैसे तो आप थोड़े से वो हो रहे होंगे कि ये कौन है ये आतिफ काजमी काजमी साहब साहब, के भाई है. uh, thank you very much. और, uh, हैं। जागो दुनिया। काजी और आप भी माशाल्लाह से डर्माटोलॉजिस्ट जी। तो इससे पहले के कॉलेज की भरमार हो बिकॉज कॉलर लव जी। और आप प्लीज जरा बताइए जो आपने बात कर रहे थे आप एक्निंग के ऊपर बिल्कुल इनफैक्ट एक्निंग एज यू नो इट्स पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जो बच्चा टीन्स में अपना कदम रखता है तो साथ ही एक्निंग स्टार्ट हो जाती है छोड़े मैं टीन्स में तो नहीं हूँ लेकिन की प्रॉब्लम <laughs> है हर उम्र में, में आ जाती है, है। तो हर उम्र में आ सकती है बच्चों में छोटे बच्चों में भी ओल्ड एज में भी मगर कॉमन कॉमनली इट कम्स इन टू दीन एजेस जब बच्चा तेरह साल की उम्र में प्यूबर्टी एज पे बालक होता है तो तब हार्मोन्स की चेंजेस बॉडी के अंदर होती हैं उसके साथ एक्नी डेवलप होती है हार्मोन्स की चेंजेस के साथ तो देन इट गोज टिल जितना टीन्स आपका जाता है उसमें जाती है आहिस्ते आस्ता हॉर्मोन सेटल डाउन होते, है, होते हैं खत्म है हो तो ना। oh yes अगर आप उसको खराब करोगे छेड़ोगे तो स्कार बनेगा hmm. और स्कार का मतलब निशान आएगा <laughs> जो कि जाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसी एक्नी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इज दैट कि जब हो तो आप उसको किसी डॉक्टर से करें करेंट hmm. so करें है, है? से हॉर्मोन के साथ क्या है पिम्पल्स जिसको हम आम सामान पे कील और महासे जो होते हैं वेरी कॉमनली और ऑयली स्किन पे ज्यादा होते हैं you know. कुछ लोग जो है वो Uh, हर महीने क्या बल्कि वो हर तीन हफ्ते के बाद चले जाते हैं फेशियल के लिए स्टीमिंग से पोर्स खुलते हैं और वो ब्लैक करते हैं है है? yeah. तो इस तरह है कि हम तो नहीं रिकमेंड नहीं करता yeah. तौर पर जो दुल्हन बनने वाली होती है जो दो दिन पहले जाकर अपना फेशियल करवाती है उसके बाद फिर रो रही होती है कि अच्छी भली स्किन को बिल्कुल उसमें यह है कि जब वो जो दुल्हन बनने वाली है ओवरनाइट ने जाके कराया तो उस पर अगर ऐसा एलर्जिक रिएक्शन आ गया है क्योंकि फेशियल के बाद जो क्रीम्स और लोशन यूज करते हैं तो उससे बहुत बड़ा एलर्जिक रिएक्शन आता है जिसके लिए हमें स्टीरॉयडल इंजेक्शन और तो स्टीरोड्स देने पड़ते हैं तो इससे फेशियल्स हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते अलबत् जो आपने एक्नी बोली ये जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनते हैं चेहरे पर इनको आउट करने के लिए एक जरूर हम कहते हैं एक स्पेशल एक स्पेशल एक अलग है को, के साथ इनको आउट ये घर पे भी हमारे हैं से बिल्कुल से, जी आप ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब ये क्या यू नो इतना वक्त नहीं होता बच्चों को भी तैयार करना होता है जो हमारी हाउसवाइफ भी भी है घर पे

ठीक ठाक जी बताइए अली काजमी साहब बैठे हुए डॉक्टर आप ये ने... मैं 92 से ना नाइन की प्रॉब्लम है मुझे टांगों पे शुरू हुई थी और आंखों पे है हाथों पे है इस से मशवरा रहना था रुक सकती है या मतलब तो ही तो उसकी बहुत कम होती है मैंने कुछ लोग मिले हजार में से कोई चंद जिनकी खत्म भी हो जाती है लेकिन आ, से आप किस चीज की बात करे फुल आपने कहा हाँ जी हाँ जी अच्छा ठीक है जी ठीक है अल्लाह फुलबेरी या जिसको हम आम जमाने में बर्स कहते हैं जी। हम अपनी टर्मिनोलॉजी में विटलाइगो या लुकोडमा कहते हैं व्हाइट स्पॉट जो पड़ जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट है और ये के वो जिस तरह कह रहे थे कि कुछ लोगों ने जो आजमाया है उनका बिल्कुल सही हो गया है। जी जी बिल्कुल हम करते हैं इट्स लॉन्ग टाइम के इसका अच्छा ये नहीं कि मैं डज इट अच्छा, और इसका आ, बिल्कुल ट्रीटमेंट है वो बैठ के भी करा सकते हैं किसी को भी दिखाएं उसमें स्पेशल कुछ दवाइयाँ होती है जो धूप में बैठ के लगाते हैं धूप में जी बिल्कुल वो लगा के लुकोडमीन एक दवाई है मगर सुने ये प्लीज आप पहले अपने डॉमोटोलोजिस्ट के पास जाकर आप उनसे रिकमेंड मतलब की जो वो प्रिस्क्राइब करेंगे आपकी स्किन क्योंकि वो तो देख रहे हैं ना हम लोग सिर्फ एक वेग आउटलाइन कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये कंडीशन बिल्कुल नहीं उसमें तो बल्कि ये कि आपने इसने कहा ना अगर खुद लगाएंगे जाके वो क्रीम जो मैं बता रहा हूँ लुक डमीन तो वो तो जल जाएगी स्किन आबला बन जाएगा छाला बन जाएगा तो हमें देख के बताना है कि 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 से बिल्कुल घर पे खुद आजमाना कुछ नहीं नहीं अगर वो जी फलानी की 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 पड़ोसी के बेटे की बीवी ने कुछ कहा है <laughs> नहीं। से जाकर जो वो रेकमेंड करेंगे वही चीज बिल्कुल यहाँ मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा इनके लिए कि इलाज है इसका बिल्कुल फुलबेरी का इलाज है सिर्फ वो तो अपने से बताएं क्योंकि है, है रिजल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा है। आता है मगर उसमें दो तीन चीजें और बताऊं की ये लोग समझते हैं कि, कि किसी चीज से खाने से लग जाने वाली मछली के बाद बिल्कुल एग्जैक्टली बड़ा कॉमन मिथ है ये एवरी वन से जी मछली खाली दूध पी लिया तो कतई कोई ऐसी बात नहीं है मछली और दूध के सर्स का कुछ नहीं है रदर हम कहते हैं अगर किसी को फल बेरी हो तो विटामिन सी बंद करें फ्रूट्स जूसेस ये जो आजकल जिस तरह हैं विटामिन सी जिन चीजों में है वो हम स्टॉप करते हैं विटामिन सी बंद करें बिल्कुल जी हां वो कम से कम लेनी चाहिए ऐसे लोगों के थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब काश हम इस ये जो हमारा सेगमेंट है इसका हम थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमें ब्रेक पे जाना है लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने इतनी बातें इतनी टॉपिक्स के ऊपर स्पेशली एक्ने स्किन तो ऐसी बात है कि आप बोलते ही चले जाए ना बिल्कुल बट थैंक यू सो मच जी और हम चल रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर